काफ़ी दिनों बाद फिर दोबारा मौका मिला है सफ़र पे जाने का। रास्ते के बीच में ही हूँ, व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। अब इतने दौड़ भाग वाले माहौल में से निकल करके आए हैं, तो कोशिश तो यही होती है कि थोड़ा सा ना माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। अभी वहाँ ऊपर से ना अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे ना ब्रिज है बहुत सुंदर सा, तो देखता हूँ इसी रास्ते पे वो ब्रिज है कि नहीं है। वैसे ये इतना चौड़ा ब्रिज है नहीं, यहाँ से गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो नहीं मेरे ख्याल से निकल सकती, बस मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए ठीक है। जो हमने पीछे अभी ये देव पाशा कोट का मंदिर देखा था ना, ये उन्हीं की झांकी निकाल रहे हैं अभी। और ये है बरोड का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता ना यहाँ पर इस फाउंटेन के पास अपनी फोटो जरूर करवा के जाता है। एक्चुअली में ये पाइप लगाया गया है एक टनल के ऊपर, वहाँ से पीछे से एक कनाल को काटा गया है। कनाल जब यहाँ से टनल के अंदर जाती है तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम को रिलीज़ करने के लिए ये पाइप लगाया गया है, जिसके साथ के वैक्यूम के साथ पानी प्रेशर के साथ ऊपर आता है और ये एक फाउंटेन की तरह काम करता है। ये नदी में थोड़ी देर बैठेंगे, ये उल रिवर है, यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे यहाँ पे पीछे है ट्राउट फार्मिंग का, तो वहाँ पे वो हैचरी है, उसके बाद ये नदी में छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे फिर ठेका देते हैं उसको पकड़ने का, बहुत मशहूर है यहाँ की। तो वैसे ट्राउट को भी ना एक सेट टेम्परेचर चाहिए होता है ट्राउट फिश को मतलब डेवलप करने के लिए, तो जो टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है यहाँ के पानी में आप सोच भी नहीं सकते कितना ठंडा होगा। ये पानी की आवाज़ कितनी मज़ेदार आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये है नेचुरल म्यूज़िक। चलो एनी हाउ इन्जॉय करते हैं, आप भी इन्जॉय करो। ये बरोड का बैराज है और ये जो इस तरफ क्या बोलते हैं गेट्स लगे हुए हैं, ये रिजर्वायर के लिए हैं। यहाँ से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि कितना पानी रिजर्वायर में छोड़ना और कितना नहीं छोड़ना। यहाँ पर आकर के थोड़े से ऑब्स्टिकल दिए गए हैं, ये ऑब्स्टिकल इसलिए हैं कि जैसे अगर पीछे से पेड़ या कोई कचरा वगैरह आ जाता है यहाँ आकर के फंस जाए, इससे आगे ना जाए रिजर्वायर में। दो वॉल्व हैं और उसमें सामने वाले में एक वॉल्व है ना, वो वही एक ही है इसमें। अच्छा ये तो शायद सिंपल है टनल है ना, हाँ ये सिंपल है और इसमें दो वॉल्व है, इसके अंदर है। अच्छा नीचे ठीक है, तो ये रिजर्वायर नंबर टू है, ये नंबर वन है और पीछे वाला टू है। ट्रैक है जो दूसरी तरफ से शैनन प्रोजेक्ट के लिए चलता था, और जितना भी यहाँ पे काम हुआ है और जितनी भी मशीनरी आई है वो सारी इसी ट्रैक से आई है पहले, और कुछ देर पहले तक जब तक के ये रोड के साथ कनेक्टेड नहीं था एरिया, तो लोगों के आने जाने का भी यही एक रास्ता था। वो देखो नीचे कैसे बिल्कुल ढलान लग रही है एकदम,
वहाँ से आऊँ सांस फूल गया। ब्रोड में अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पर काफ़ी होम स्टे भी हैं और आजकल तो ये टेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं। इसमें अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल टेंट भी अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आप दो जने रहना चाहते हैं तो दो जनों के लिए भी टेंट अवेलेबल हो जाता है। जब आप बराज की तरफ जाते हैं, यह छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं और उसके साथ ही यहाँ पर भी छोटी मोटी अगर आपकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें हों तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जी आज रात गुजारने के लिए हमारा आशियाना, मैंने सोचा कि आपको एक रूम टूर दे देता हूँ।